नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वाति। खबर रीवा जिले से है, जहां व्यापारी मोतीलाल सोनी के साथ हुई लूट का पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने खुलासा किया है। बता दें, फरियादी मोतीलाल के साथ 5 दिन पहले लूट की वारदात हुई थी, जिसका आज खुलासा किया गया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, 20 तारीख की रात फरियादी मोतीलाल सोनी अपनी सोने चांदी की दुकान बंद कर घर जा रहा था। उसी दौरान 4 पहिया गाड़ी से टक्कर मार व्यापारी को गिरा दिया गया और जबरदस्ती अपनी गाड़ी पर बैठा कर गढ़ी रोड की तरफ लेकर चले गए। पीड़ित ने बताया कि उसके दोनों मोबाइल और 1000 रुपये लूट कर आरोपी फरार हो गए, जिसके बाद फरियादी चवा थाना पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज कराई। बता दें, आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया था, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में अलग अलग पार्टियां बनाकर दबिश देकर तलाश की गई और साइबर सेल की मदद से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर माल बरामद कर लिया गया। इसके साथ ही माना जा रहा है कि आरोपियों से पूछताछ करने पर अन्य आरोपियों का भी खुलासा हो सकता है। आइए सुनते हैं एसपी विवेक सिंह को, उन्होंने क्या कुछ कहा है। आपको ज्ञात है, 5 दिन पहले यानी कि 21 तारीख को फरियादी जो है मोतीलाल सोनी, उसने थाने रिपोर्ट लिखा है कि जब वो 20 तारीख को अपनी दुकान से निकला था करीब रात में 8 बजे, उसके थोड़ी देर बाद जब वो मोपेड से आगे गए तो वहाँ पे किसी ने एक गाड़ी से उनको टक्कर मार के हल्का सा वो करके और गिरा दिया और उसके बाद उनको अगवा करके साथ में ले गए और उनके साथ मारपीट करके उनके बैग जो छीन लिया संभवतः, उसके बाद फिर उनको छोड़ दिया, जिसके आधार पर इसमें हमने FIR कायम किया था। FIR में हमने जो घटनाक्रम था उसके अनुसार सारी धाराएं इसमें डाली थी, 394, 364A, 365, 34, 395, 397 सारी इसमें गंभीर धाराएं थी। और क्योंकि एक घटना ऐसी थी जिसमें एक व्यापारी वर्ग को था और क्योंकि लोगों में एक उसके लिए वो भी था, संतोष भी था और लोग चाह रहे थे जल्दी इसका खुलासा हो, इसी तारतम्य में लगातार हमने पूरी पुलिस टीम को इसमें डिप्लॉय कर रखा था। एक स्पेशल टीम इसमें लगी हुई थी जिसमें माइक टू मोगंज और SDOP डबोरा के नेतृत्व में कई सारे इसमें अधिकारी लगे हुए थे और लगातार हम पतारसी कर रहे थे और जिसके पतारसी के प्रयास में हमको इस जो जिसने वारदात की उस गैंग को पकड़ने में, उसकी पतारसी करने में हमको सफलता मिली है। अभी तक हमने इसमें 3 आरोपियों को पकड़ा है, उसमें उदयराज सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, पिता दल बहादुर सिंह, ये ओबरी थाना बड़गढ़ जिला चित्रकूट UP का है, और दूसरा जो है राहुल कुमार द्विवेदी, पिता नीलकंठ द्विवेदी, ये चढ़ई थाना मऊ जिला चित्रकूट, और तीसरा रतन सिंह और गोलू सिंह, टिकरा थाना मऊ जिला चित्रकूट के। इसके साथ इनको इनसे अभी और पूछताछ जारी है और इसमें और भी लोग इसमें है जो आरोप जो इसमें संदिग्ध हैं। हमको लग रहा है कि इसमें 2-3 आरोपी और बढ़ेंगे जिनसे अभी पूछताछ के उपरांत इसमें और खुलासे हो सकते हैं। अभी तक जो हमको मोबाइल, गमछा और मोटरसाइकिल जो पैसे थे, पैसे ज़्यादा नहीं थे, 5000 रुपये की लूट थी, लेकिन जो घटनाक्रम था वो काफ़ी सीरियस था और 500 रुपये उसमें बरामद हुए हैं और इनको अभी PR पे लेके इनसे अग्रिम पूछताछ आगे पूछताछ की जा रही। इसमें लगातार टीम ने मेहनत किया था और साइबर सेल से भी अच्छे इसमें इनपुट्स मिले थे, इसके आधार पर इन आरोपियों को पकड़ने में हमने सफलता प्राप्त की थी। ये मूलतः UP के हैं और अभी तक इनका ये पहला हमको प्रकरण पता चला है, लेकिन जो उदयराज है इसके खिलाफ भी कई सारे अपराध पहले के हैं जिसमें लूट मुख्यतः लूट के अपराध हैं और इसके अलावा जो बाकी जो हैं साथी इनके भी इनका भी आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है और जो इनके अन्य साथी जो अभी नहीं पकड़ में आए उनके बारे में पतारसी की जा रही है और संभवतः ये पूरा एक ग्रुप है जो लगातार इस तरह के अन्य वारदात भी कर सकता है या किया होगा और इसके बारे में पूरी अभी पतारसी की जा रही है, इनसे पूछताछ आगे जारी है।